नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन को खत्म करके लगभग 45 से 65 ट्रेनों के संचालन की योजना तैयार की है। वो क्या है योजना? दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के बाद से रेलवे ने अपनी तमाम मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया था। इन ट्रेनों को 14 अप्रैल को लॉकडाउन हटने के बाद एक बार फिर से 15 अप्रैल यानी बुधवार से शुरू किया जा सकता है। रेलवे की ओर से प्राथमिकता के आधार पर 45 से 65 ट्रेनों के परिचालन की तैयारी की गई है। इसमें हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस भी शामिल है। इन सभी 45 से 65 ट्रेनों को 21 अप्रैल मंगलवार तक एक हफ्ते के लिए चलाने की प्लानिंग की गई है। जिन ट्रेनों को चलाने की तैयारी है उनमें हावड़ा नई दिल्ली राजधानी, सियालदह नई दिल्ली राजधानी, हावड़ा मुंबई मेल, हावड़ा कालका मेल, कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस, हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस, हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस, हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस, सियालदह नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस और भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस आदि शामिल हैं। दोस्तों, योजना ये है कि इन 65 ट्रेनों को 21 अप्रैल तक सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलाया जाए और ये देखा जाए कि भीड़ कैसी होती है और कोरोना का जो प्रभाव है वो कितना होता है, उसके बाद ही रेलवे कोई डिसीजन लेगा। दोस्तों, ये है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।